करके डीडीटी लगा के आप उगाएं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कैसे उगाना है। गुड़ाई एकदम अच्छे से करनी है, एकदम अच्छी गुड़ाई, थोड़ी गहरी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे इमली के पौधे उग रखे हैं, मैंने अच्छी गहरी और अच्छी गुड़ाई कर ली है, अब एकदम ऐसे हो चुका है। अब एकदम इतने डिस्टेंस के नीचे नीचे नीम सील को ऐसे कर लीजिए। ठीक, हमने बीच में बो दिया सीड, अभी दिखाता हूँ। एक चीज बोलूँ, नीम सीड को रखने के बाद सॉइल में ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछो। जब तक पूरे पॉट की सॉइल को करने लेते हैं, हमें बहुत सीड को करना मुश्किल हो जाता है। खुरपी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतना और आप मैं इतना इतना देखिए, इतना इतना नीचे कम से कम होना चाहिए। इससे नीचे हुआ तो आपका नीम सीड कलम वहीं उग के ख़त्म हो जाएगा और आपका पेड़ नहीं बन पाएगा। लेट्स ग्रो, हम पहले होल कर लेते हैं। इस इमली की पत्ती भी बहुत बीच बीच में आ रही है, पर कोई बात नहीं, स्पेस नहीं है तो वीडियो को। ओहो, इमली के पेड़ भी बड़े बड़े हो रखे हैं। सर सुनिए, नीम का एक बीज पूरा ही हो गया, पता नहीं शायद मैंने पहले उगा दिया होगा। और मैं नए मेथड से कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके होल में डाल लीजिए। नीम इसके नीम सब है, नीम नीम का पौधे के बीज आप बोएं तो उस पॉट में आप ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। ड्रेनेज होल नहीं हुआ तो आपके सीड क्या कुछ नीम का एक अच्छा बड़ा पौधा भी नहीं होगा। नीम के पौधे को ड्रेनेज होल तो ज़रूर चाहिए, ड्रेनेज होल के बिना तो ये जी ही नहीं सकता, इतना इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए ड्रेनेज होल। करके मैं हमने ढक दिया है बीजों को, अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। सब्सक्राइब के अपडेट के साथ मिलाऊंगा। और दूसरी बात कि सॉइल मैटर आपको क्या यूज़ करना है, नीम ट्री नॉर्थ में तो इसे मोस्टली लोग उगाई रखा है, इसकी मदर प्लांट देखिए कितना बड़ा है, इसको उगा रखा है इस साइड में, कितनी भुरभरी है नीम को, इतनी भुरभरी इतनी सॉफ्ट सॉइल चाहिए। उन पॉटिंग मिक्स में आप डाल सकते हैं, मैंने यूज़ तो की है, क्या बोलते हैं वो गाय के गोबर की खाद और वो सैंड और रेत का मिक्सचर है,
थर्टी तो सैंड है, 30% रेत है, 30% गाय का गोबर है और 30% बफेलो डंक। इन सब के मिक्सचर में हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है। अभी तक मैंने इतने पौधे उगा दिए हैं, इनमें से मैंने किसी में भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इस मरवे को भी देखिए कितना हेल्प नहीं चल रहा है। एडीनियम भी हिंदी में लोग बोलते होंगे चंपा वगैरह। स्नेक प्लांट मैंने लाया था, उगाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने वाटर में डाल दिया। ये स्नेक प्लांट तो ऐसे एक हफ्ते बाद भी बहुत जब भी हो जाता है। और दूसरी बात पपीते, अब मिलते हैं नीम ट्री के अपडेट के साथ। नीम ट्री के अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे। और दूसरी बात, मैंने